Hello everyone, very good morning to all of you. Today we are going to discuss about one shot classes for alkene from hydrocarbon chapter with complete perspective for NEET examination 2024. Okay, welcome back. तो अभी हमारा टॉपिक है अल्कीन. तो अल्कीन में हम क्या करेंगे दोस्त, कि अल्कीन का जैसे आपको पता है कि अल्कीन क्या होता है, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n. आपने ले लिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp2, सो दिस इज इन sp2, ये भी आपका आ गया sp2. sp2 में s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 33.3%. यहाँ पर भी s कैरेक्टर कितना आ जाएगा, 33.3%. ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्कीन का. अच्छा, अब आ जाओ अल्कीन के सबसे पहले टू द पॉइंट बात किया जाए, प्रिपरेशन, क्योंकि एग्जाम 5 मई को ही है. एग्जाम में ज़्यादा दिन रह नहीं गया है. टुडे इज सैटरडे एंड 26th of April. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सॉरी फ्रॉम अल्कोहल. आप सबसे पहले अल्कोहल से बनाओ. तो अल्कोहल में आपने मान लो कुछ इस टाइप का कोई अल्कोहल लिया, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है. इसको आपने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दिया. अच्छा, यू नो बेटर दैट कि H2SO4 क्या है, वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. यदि आप टेम्परेचर मेंशन करना चाहो तो 170°C to 180°C. अच्छा, तो इट विल गिव यू अल्केन C डबल बॉन्ड C प्लस वाटर. अच्छा, यदि आप फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कार्बन को अल्फा मान लोगे तो बीटा होगा, तो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे जरूरी है. यदि हाइड्रोजन एटम नहीं होगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. अच्छा, तो H2SO4 इज वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट. H2SO4 इज वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अच्छा, रही बात इसके मैकेनिज्म का, तो मैकेनिज्म के लिए फिर जो रेगुलर क्लास का वीडियो हुआ है नीट और IIT का, उससे देख लो. तो H2SO4 इज वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट. अच्छा, इन प्लेस ऑफ H2SO4 H3PO4 भी आप यूज कर सकते हो, PPA पॉलीफॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हो, Al2O3 एल्यूमिना यूज कर सकते हो, P2O5 ये यूज कर सकते हो, कैन ऑल्सो बी यूज्ड. आप इसको भी यूज कर सकते हैं. तो ये अल्कोहल से बन गया. अच्छा, इसको एक यदि नॉर्मल एग्जांपल देखोगे तो जैसे आपके पास है HCH, H, OH और यहाँ पर भी H है, CH3CH2H, इथाइल अल्कोहल है. और इस इथाइल अल्कोहल को आप H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाइए. तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए 170°C to 180°C. इट विल गिव यू बच्चों, ये आपको दे देगा अल्कीन, मतलब इथीन प्लस वाटर. ओके, नोट डाउन. और यदि आप थोड़ा सा इसमें मतलब चेंज भी करना चाहो तो मैं एक यहां पे ले लेता हूं. जैसे हमने ले लिया कि CH3, CH, H, H, OH एंड यहां पर H ले लिया. इसको आपने H2SO4 से करवा दिया, तो इधर से ये गया, इधर से आया. इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर. टेम्परेचर वही मेंटेन करना पड़ेगा 170°C से 180°C पे. नोट डाउन, नोट कर लो आप इसे. अच्छा, आप सेकेंड प्रिपरेशन ले लीजिए कि फ्रॉम अल्काइल हेलाइड. यदि आप अल्काइल हेलाइड ले लेते हो, मान लो कि आपने ले लिया कुछ इस टाइप का, यहाँ पे X है यहाँ पे H है, और इसको आपने अल्कोहलिक KOH और NaNH2 से रिएक्शन करवा दिया, तो इट विल गिव यू अल्कीन. ये आपको अल्कीन दे देगा. तो ये आपको अल्कीन दे रहा है, ठीक है, अल्कीन दे रहा है. अच्छा, अब इस अल्कीन में क्या है कि मान लो कि यहां पर हमारे पास सिचुएशन है कि CH3 CH
H और यहाँ पर X ले लिया, तो नॉर्मल कंडीशन है। हमने अल्कोहलिक KOH या NaNH2 जो ऊपर में लिखा हुआ है वही वाला रिएजेंट यहाँ पर लिख देते हैं, तो इट विल गिव यू क्या हो जाएगा, X जाएगा ये इधर आएगा, तो मेन प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि आपके पास आ जाए कि CH3CH एक्स CH2CH2CH3 और नाउ यू, अब आप इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दिए, तो X बेटा इधर से जाएगा, तो H इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आपको उसे फॉलो करना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट बेटा बनेगा सिटजेप्स रूल के हिसाब से कि मोर सिमेट्रिक अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो मोर सिमेट्रिक अल्किन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो पहले आप मेजर बना दो, तो इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 1। तो ये हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर। अच्छा, माइनर में इधर से ले लो H C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे दे रहा है CH2 CH2 CH3, ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट, क्या हो गया माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, तो मोर सिमेट्रिक अल्किन मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मोर सिमेट्रिक अल्किन कैसे पहचानोगे, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देख रहे हो, बिल्कुल देख रहे हो, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखो कितना अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक अल्काइल ग्रुप है। तो ट्रिक क्या याद रखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जितनी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो उतना ज़्यादा सिमेट्रिक होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ज़्यादा मेजरेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये आप याद रखोगे। इसके अलावा नीट आपके साथ क्या करेगा ये भी आप ध्यान में रखो, क्या करेगा मतलब क्या क्वेश्चन पूछेगा, कुछ करेगा नहीं, कि जो अल्काइल हैलाइड है, कि यदि आप बात करते हो अल्काइल हैलाइड के सेंस में, तो यदि टर्शरी अल्काइल हैलाइड रहेगा तो इसकी रिएक्टिविटी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इसकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की, फिर प्राइमरी की। अच्छा, यदि आप हेलोजन की बात कर रहे हो RX में, हेलोजन की बात कर रहे हो तो कि RI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, देन RBR, देन RCL, तो इसको आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आपका हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, अब हम अल्कीन का नेक्स्ट प्रिपरेशन देख लेते हैं, कि मान लो हमारे पास CH3CH यहाँ पर X है, CH यहाँ पर X है, यहाँ पे मान लो कुछ है CH3 है, अब आपने इसको जिंक के साथ रिएक्शन करवा दिया, हीट करवा दिया, तो ये ZnX2 समझने के लिए ऐसे कर दो, ZnX2 बाहर हो जाएगा एंड इट विल गिव यू CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फोर्थ रिएक्शन पे, कि फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से कैसे बनाओगे, तो मान लो C ट्रिपल बॉन्ड C है, इसको आपने H2 के साथ रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम और निकल, पैलेडियम प्लेटिनम और निकल, इट विल गिव यू, ये आपको दे देगा कि C डबल बॉन्ड C। ठीक है, अल्किन दे दिया, इसी का थोड़ा और फॉर्मेट देख लो, ये ए मान लो और यहीं पे हम ले लेते हैं बी, बी मतलब कुछ ऐसा ले लो कि जैसे आपके पास है मान लो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, नाउ रिएक्ट इट विथ H2 by PD BASO4 बेरियम सल्फेट, दिस इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट, इसका नाम यहाँ पे लिख लो आप लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा, ये लिंडलार कैटलिस्ट आपको क्या करेगा कि ये दे देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यहाँ से सिस अल्कीन बनेगा, यहाँ से क्या, अच्छा उधर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ,
कि इसको नीचे ले आओ। जैसे आपने इसको H2PdBaSO4 से रिएक्शन करवा दिया BaSO4 के साथ, इट विल गिव यू CA3CH डबल बॉन्ड HCH3। तो ये देगा आपको सिस अल्किन दे रहा है। यहाँ पर लिख दो, इस रिएजेंट का नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। अच्छा, इसी का सी यहाँ पे लिख लो, ठीक है। यदि आपके पास सिचुएशन ये हो जाए कि CA3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 और आप इसको रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। कई बार एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए इन प्लेस ऑफ सोडियम लिथियम का भी यूज कर लेता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इट विल गिव यू ट्रांस अल्किन, तो CA3CH डबल बॉन्ड HCH3 ट्रांस अल्किन, ये आपको दे दिया ट्रांस अल्किन। तो वन शॉट में इससे ज्यादा गुंजाइश कहाँ है, वन शॉट में थ्री स्पीड मेंटेन करना पड़ता है। हाँ, डिटेल के लिए आराम से समझ करके करने के लिए फिर जो हमारा रेगुलर वीडियो है नीट का IIT का, उसको भी देखते रहो साथ साथ, ठीक है। तो ये बन गया आपका ट्रांस अल्किन। ओके, नोट डाउन। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं अल्किन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अल्किन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये अल्किन कलरलेस होता है। अच्छा, नो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। हाँ, इथीन में जरूर होता है कि इथीन का स्मेल होता है, इथाइल अल्कोहल, जैसे तुम जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है उसका स्मेल तो होता ही है। कई सारे ड्रिंकर को तुम देखते होगे कि जो ड्रिंक लेते हैं उन स्मेल तो आती ही है, तो इथीन प्लीजेंट स्मेल होता है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ऑलमोस्ट तुम समझ लो डेंसिटी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डबल बॉन्ड इज स्लाइटली ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिंगल बॉन्ड। अल्केन, ये भी वाटर इनसॉल्युबल है लाइक अल्केन, एंड सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, मतलब लगभग में ऑलमोस्ट नॉन पोलर। चलो अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आ जाओ एडिशन ऑफ H2। सबसे पहले आप ले लो एडिशन रिएक्शन। मान लो आपने ले लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 और इसको आप H2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, कुछ भी। तो ये देगा आपको निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, कुछ भी ले लो, इट विल गिव यू RCH2CH3। अल्केन से दे देगा अल्केन। और यहां पर लिख दो आप हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि आपने H2 से रिएक्शन करवाया है तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, ये रिएक्शन जो बेटा है ये है एक्जोथर्मिक इन नेचर, तो हीट ऑफ, अच्छा दूसरी बात है क्या है कि एक्जोथर्मिक है, ये एक्जोथर्मिक भी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, अल्किन का जो स्टेबिलिटी तुम्हें चेक करना हो कि अल्किन कितना ज्यादा स्टेबल है, तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन विथ H2, रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन
with H2. तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विथ H2 का भी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो एडिशन रिएक्शन हो गया, नोट डाउन. ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं इसका कि यदि आप ओजोनोलाइसिस करवाते हो, मान लो आपने लिया ओजोनोलाइसिस करवाते हो, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसको जब आप ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो आपको पता ही होगा O3 जिंक बाय H2O ले लो, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड C. रफली यदि तुम सोचोगे कि कैसे हुआ, तो समझ लो कि यहाँ से ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो ऐसे. यदि तुम्हें मैकेनिज्म तो तुम लोग पढ़े भी होगे, और नहीं पढ़े होगे तो सी डबल बॉन्ड हो ओ थ्री के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो बीच का ये आ रहा है. फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या लेंगे, जिंक बाय एच टू ओ, तो सी डबल बॉन्ड हो ओ डबल बॉन्ड सी. अच्छा अब आप एक बात और देखो कि यदि आप जिंक बाय एच टू ओ नहीं लेते तो अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड यदि मेनली बनता तो ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ चला जाता, एसिड पे चला जाता, और जिंक बाय एच टू ओ ले लेने के कारण क्या हो गया कि वो फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देगा. जैसे आपने लिया एच एच सी डबल बॉन्ड एच एच सी ए थ्री सी एच डबल बॉन्ड एच एच सी ए थ्री सी सी ए थ्री डबल बॉन्ड एच एच, या इधर सी ए थ्री कर दो और सी ए थ्री सी ए थ्री सी डबल बॉन्ड सी ए थ्री सी ए थ्री. तो सबको यदि आप यही ले लेते हो कि ओ थ्री जिंक बाय एच टू ओ, यहाँ पर भी आप ले लो ओ थ्री जिंक बाय एच टू ओ, इधर भी आप ले लो ओ थ्री जिंक बाय एच टू ओ, और इधर भी ले लो आप ओ थ्री जिंक अब बाय एच टू ओ. यहाँ पर क्या है, सब जगह एक ही फंडा लगाना है, जो अब तो कॉन्सेप्ट इधर से समझ चुके हो, फंडा क्या लगाना है कि यहाँ से ब्रेक कर दो, यहाँ से ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो लगा दो. ठीक है, नोट डाउन. अच्छा नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं रिएक्शन विथ हॉट KMnO4. तो बेटा रिएक्शन विथ हॉट KMnO4, यदि आप हॉट KMnO4 लेते हो तो आप यहां पे ये समझ लो कि हॉट KMnO4 के साथ भी वही प्रोडक्ट बनेगा जो ओजोनोलाइसिस में बना हुआ है, बट दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग अलग होगा. ठीक है, मैकेनिज्म के लिए आप IIT का क्लास और नीट वाले रेगुलर क्लास है उससे भी देख सकते हैं, उसका मैकेनिज्म दोनों का अलग अलग है. ठीक है, अब ले लो आप रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट. यदि आप बेयर्स रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो हाँ, यदि आप रिएक्शन विथ बेयर्स रिएजेंट करवाते हो तो सबसे पहले तो बेयर्स रिएजेंट का डिफिनेशन समझ लो कि बेयर्स रिएजेंट हो गया कि 1% अल्कलाइन कोल्ड, 1% अल्कलाइन कोल्ड KMnO4 सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा बेयर्स रिएजेंट. मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसको आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन करवा दो, या बोल दिया 1% अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करवाओ, या बोल दिया डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्शन करवाओ, सबका मतलब एक ही होता है बेटा, सबका मतलब एक होने का है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, एक OH इधर लगा दो, एक OH इधर लगा दो. मतलब यहाँ पे जैसे आपने लिया इथाइलिन या इथेन जो भी बोलो आप, और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया बेयर्स रिएजेंट के साथ या डाइल्यूट KMnO4 के साथ, तो ये आपको क्या दे रहा है HCHOH इथेन 1,2-diol,
इसका दूसरा नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, ये बन जाएगा। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लो इसका, कंबसन रिएक्शन। कंबसन में सिंपल ही फॉर्मेट रखो कि कंबसन में जैसे आपने लिया CnH2n, इसको आप O2 में कर रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये दे देगा NCO2। अच्छा उधर 2n है तो इधर जो H2O बनाओगे तो 2n, तो ये ले लो NH2O। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो तो 2n और n, तो 3n/2, ये हो गया इसका कंबसन रिएक्शन। नोट डाउन, बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि सीन एडिशन और एंटी एडिशन का, थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री भी मिक्स कर सकता है। जो एच अल्कीन का जो H2 के साथ रिएक्शन है वो सीन एडिशन है, बेयर सीजेंट के साथ सीन एडिशन है, ओस्मियम टेट्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सीन एडिशन है। बट व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन विथ H2 एंड और HOX और RCO3H और H3O पॉजिटिव और Ag2O/H2O, दिस इज एंटी रिएक्शन। तो आप लोगों ने यू हैव हैड ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस और विथ प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सिस अल्कीन प्लस सीन एडिशन विल गिव यू मीजो आइसोमर्स। क्या दे देगा? मीजो आइसोमर्स। ओके, सिस प्लस एंटी एडिशन ये आपको दे देगा इन एंसियोमर्स। फिर आप बात करते हो ट्रांस, अब प्लस सीन एडिशन इट विल गिव यू इन एंसियोमर्स एंड ट्रांस प्लस एंटी एडिशन विल गिव यू मीजो आइसोमर्स, मीजो आइसोमर्स। ठीक है, मीजो आइसोमर्स दे रहा है। अच्छा जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को Br2 in CCl4 से रिएक्शन करवा देते हो, Br2 in CCl4, तो इट विल गिव यू Br दिस। इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड का भी एक टेस्ट है Br2 in CCl4। अच्छा मान लो आपने लिया CH3, अगला रिएक्शन ऐसे ले लो कि मर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन, मर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन। अच्छा मर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन रिएक्शन में आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐसे नोट कर दो कि प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हैज बीन सीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनिकॉफ्स एडिशन की तरह दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इसको लिख लो कि प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हैज बीन सीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स एडिशन। मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, अच्छा बोर्ड फुल हो गया है, आप लोग नोट कर लो, फिर मैं बोर्ड साफ करके बता रहा हूं। तो बच्चों जो हम मर्क्यूराइजेशन डीमर्क्यूराइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे आप सपोज कर लो कि आपके पास कंपाउंड है CH3CH डबल बॉन्ड HH, इसमें क्या लिखा रहेगा? इसमें लिखा रहेगा कि फर्स्ट स्टेप पे HGOAC बाय वाटर, और सेकंड में डीमर्क्यूराइजेशन के लिए आप लोगे NaBH4। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ्स दिखाई देगा, मतलब इसमें रिएक्शन तो वाटर से ही होना है, तो पॉजिटिव पार्ट जो H है वो उधर जाएगा। कि मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बता रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट मींस व्हाट, दैट मींस यू कैन सिंपली CH3CH HH। नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट हाइड्रोजन एटम? ओके,
तो इस कार्बन के साथ वन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाओ, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन, अच्छा इसका इसमें एक रूल लिख लो कि पाथ मार्कोनी कॉप्स ही है इसका भी, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी मार्कोनी कॉप्स दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट नोट कर लो कि प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन हैज बीन सीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन। एंटी मार्कोनी कॉप्स एडिशन दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे आपने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड HH, अब इसको रिएक्शन करवा दो B2H6H2O2OH-, तो इसका प्रोडक्ट दिखाई देगा एंटी मार्कोनिक ऑप्स। पाथ तो इसका भी मार्कोनिक ऑप्स ही है बेटा, तो दिखाई देने का क्या मतलब कि H इधर आ जाएगा H OH, नोट डाउन, हाइड्रोबोरेशन हो गया। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन हो गया। अब आ जाओ आप रिएक्शन विथ NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। रिएक्शन विथ NBS, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, आपने जैसे ले लिया कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया NBS के साथ, तो NBS तुम्हें पता ही है कि जो एन ब्रोमो सक्सिनामाइड है, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल पाथ, और फ्री रेडिकल पाथ इसको आप अभी यहाँ पे जो एक सप्ताह अब बच गया है, वन वीक बचा हुआ है एग्जाम का, आप ऐसे समझ लो कि एलाइलिक पोजीशन पे जा करके BR लग जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स क्लियर कट कि CH2BR CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके पास ये है और इसको कह रहा है कि NBS से रिएक्शन करवा दो, NBS से, तो इसके भी एलाइलिक पोजिशन पर लेके साइक्लोहेक्जीन है, ठीक है, इसके भी एलाइलिक पोजीशन पे लगा दो, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो। हो गया नोट, अब बच्चों हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि जैसे तुम्हारा मार्कोनी कॉप्स एडिशन है, मार्कोनी कॉप्स एडिशन, अच्छा इस मार्कोनी कॉप्स एडिशन में जैसे सपोज कर लो आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड HH, हाँ अब तो फास्ट चलना ही पड़ेगा, रास्ता क्या है आपके पास, पता है आज आपको फ्राइडे मॉर्निंग, अभी 5:10 हो रहे हैं मॉर्निंग सुबह के, ठीक है, सैटरडे संडे, अगले संडे को आपका एग्जाम है, एज ए टीचर जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन अदर देन डैट, क्या कर लोगे तुम, एक सिंपल सी बात समझ लो, सक्सेस होने के लिए थोड़ा सा मूड माहौल हल्का कर लो, सक्सेस होने के लिए 14 hours एट द रेट ऑफ पर डे, 14 घंटे 14 hours जो पर डे मेहनत करेगा उसको सफलता मिल ही जाती है, लेकिन पूरे ईयर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, ठीक है, अदरवाइज सफलता तो तुम्हें पता ही है कितना फैट है, 25 लाख बच्चे बैठे हुए हैं नीट में। चलो एनीवे वेलकम बैक, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको आप रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, तो मार्कोनी कॉप्स एडिशन है, तो CH3CHCl HHH। चलो दूसरा हम लेते हैं एंटी मार्कोनी कॉप्स, अच्छा इसका दूसरा नाम है खरास इफेक्ट, या इसका तीसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। ये जो रिएक्शन है बेटा ये फ्री रेडिकल पाथ फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक ऑप्स वाला। जैसे सपोज कर लो कि आपने लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ओके
now react it with HBr in presence of H2O2. हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, अल्काइल पेरोक्साइड ले लो, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, पेरोक्साइड होना चाहिए. तो इट विल गिव यू CA3CH H. अच्छा, इस बार H आएगा इधर और Br चला जाएगा इधर. नोट कर लो बेटा. ठीक है, अब मान लो आपके पास है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ले लो CA3H और इसको रिएक्शन करवा दो HOCl के साथ. किसके साथ करवा दो बेटा? HOCl के साथ. तो Cl पे ले लो डेल पॉजिटिव, इधर डेल नेगेटिव, तो ये दे देगा मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दो. तो CA3CH इधर आ जाएगा तुम्हारा OHCHHCl. ये याद रखना, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि HOCl का ब्रेकअप आपको आना चाहिए. HOCl का ब्रेकअप आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप गलती करोगे. अब जैसे आप NOCl ले लो, NOCl, तो ये डेल माइनस ये डेल प्लस. यहाँ पर NOCl में क्लोरीन पे डेल माइनस और NO पे डेल प्लस. अच्छा, इसको जब यहाँ पर भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जाएगा CA3CH डबल बॉन्ड HH, तो बेटा यहाँ पे होगा क्या आपका NO, तो CA3CH और यहाँ पर ले लो Cl HHNO. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक का रिएक्शन हुआ. फॉर एनी एडमिशन इंक्वायरी कॉल 9355-633-611. आपको 11th क्लास के लिए CBSE बैच, 12th क्लास CBSE बैच, 11th क्लास प्लस नीट एग्जामिनेशन, 11th क्लास प्लस IIT JEE एग्जामिनेशन, 12th क्लास प्लस नीट एग्जामिनेशन, 12th क्लास प्लस IIT JEE एग्जामिनेशन, ड्रॉपर बैच फॉर नीट एग्जामिनेशन एंड ड्रॉपर बैच फॉर IIT JEE एग्जामिनेशन, फॉर 1-to-1 इंडिविजुअल क्लास और पर्सनल क्लासेस अवेलेबल ऑन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, बट ग्रुप क्लासेस अवेलेबल ओनली ऑन ऑनलाइन मोड. ओके, फॉर एनी टाइप ऑफ एडमिशन इंक्वायरी कॉल 9355-633-611. थैंक यू.